वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हमने अभी तक जो स्टडी की है उसमें हमने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी को समझा है, जिसको हमें इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी हम जानते हैं, और इसके साथ साथ हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में भी अच्छे से समझा है। आज की क्लास में हम समझेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA। इसका बड़ा आपके न्यूमेरिकल्स में, आपके कैलकुलेशन में इसका जबरदस्त तरीके से यूज है। लेकिन आइए पहले इसको समझने से पहले मैं फिर से आपको इन चीजों पे एक बार चर्चा करूंगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। जरा इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैं बात करता हूं इस समय सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम की, कि डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। जैसे यहां पर समझने की हम बात करते हैं, देखिए बात करेंगे हम डोमेस्टिक इनकम की। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलेंगे घरेलू आय, घरेलू आय। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, घरेलू आय। बेसिकली आपको मैं यहां पर हिट कर रहा हूं कि ये आपका बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है। ये आपका जो है, ये मैं एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है या प्रोडक्ट है। तो आपका ये बेसिकली मैं GDP की बात कर रहा हूं। और एक हमारा होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है जी। नेशनल इनकम एक अलग चीज है, क्लियर है ना आप एक तरीके से। चलिए मैं भी इसको ज्यादा आपको शॉर्ट फॉर्म में लेके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट से हट करके आप उसके तरफ आपके ध्यान चला जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आप सिर्फ आप मोटा मोटा समझिएगा कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या फर्क है। दोनों ही चीजें क्या है, दोनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अभी तक आपको हिंदी में मिले नहीं नोट इसके? चलिए ठीक है, फिर मैं एक बार चेक कर करके उसको डलवा देता हूं अभी। हाँ जी देखिए जरा, डोमेस्टिक इनकम। तो बेटा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ये कहता है डोमेस्टिक इनकम बेसिकली कौन इनकम को अर्न कर रहा है उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। डोमेस्टिक इनकम फोकस इस चीज पर करता है कि वो इनकम कहां पर जनरेट हो रही है, किस जगह पर जनरेट हो रही है। तो अर्न करने वाले से मतलब नहीं है, अर्न कहां पर हो रहा है उस क्षेत्र उस जगह से इसका जो है ये रिलेट करता है। अब हमारे जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसी क्लासेस आपको पहले दे दी है ताकि आप आगे इसको आसानी से समझ पाए। फिर भी मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, वो सभी क्षेत्र, वो सभी एरिया जहां पर हमारे गुड्स जो है फ्रीली मूव कर सके, वो सभी एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भारत में बहुत सभी क्षेत्र लगभग हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन भारत में होते हुए भी कुछ क्षेत्र हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की जो एम्बेसीज भारत में है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है भारत में, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ऐसी कोई कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन बाहर हुआ है लेकिन वो यहां पर जो है वो अपना बिजनेस कर रही है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो भारत में ऐसे कुछ जगह हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होता है। इसी तरीके से भारत के बाहर ऐसी कुछ जगह जो हमारे भारत जो कि हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी, हमारे जो है पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर होते हुए भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होती है। जैसे हमारी एम्बेसीज जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में है तो सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। हम ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर है, जैसे टाटा की कंपनी या फिर रिलायंस की कंपनी जो बाहर इसके जो है ऑफिस हैं, क्लियर है। ये सारे का सारा जो क्षेत्र जो कि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर होते हुए भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। मेरी बात समझे? तो वो जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर इनकम जनरेट हो गई, अब चाहे वो किसी ने भी जनरेट करा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, वो इनकम हम अपने GDP में डोमेस्टिक इनकम में शामिल कर लेते हैं। मेरी बात समझिएगा इस तरीके से। क्या, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप देखेंगे
कि जैसे मान लें आप कि एक डॉक्टर जो है विदेश में जाता है, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। एक डॉक्टर है, वो विदेश में जाता है। चलिए, एक डॉक्टर है, वो चाइना में चला गया, और चाइना में जाने के बाद, एक डॉक्टर है वो चाइना में जाता है, और चाइना में जाकर के एक ट्रीटमेंट करता है, और यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद इसको जो है कुछ एक अमाउंट मिलता है, मान लीजिए इसको 1 लाख रुपीज मिला, इसकी फीस मिली, और ये फीस को लेकर के वापस इंडिया लौट जाता है। वापस इंडिया इस पैसे को लेकर के ये रिटर्न हो गया, लौट गया ये वापस इंडिया इस पैसे को लेकर के। लेकिन ये जो डॉक्टर है इसकी इनकम को जीडीपी अपने अंदर शामिल नहीं करेगी। जीडीपी जो है वो अपने अंदर इस इनकम को शामिल नहीं करेगी। क्यों क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ये इनकम जनरेट नहीं हुई है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है बात? समझ रहे हैं आप? तो इस इनकम को जीडीपी शामिल नहीं करेगी। हालांकि आप देखेंगे कायदे के अनुसार ये तो भारत में ही रहेगा, ये भारत में ही खर्च करेगा, भारत में इंडिया में ही कंजम्पशन करेगा, तो इसकी इनकम तो हमारे इनकम में शामिल होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी इनकम हमारे इनकम में शामिल नहीं की जाएगी जीडीपी के अकॉर्डिंग। जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पे इनकम जनरेट नहीं हुई। क्लियर है? इस तरीके से विदेशों से जितने भी आए हम अर्जित करते हैं या हमारे यहाँ के लोग अर्जित करते हैं, वो सारे के सारे इनकम जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर जो है जनरेट नहीं हुई। लेकिन आपके मन में ये जो जरूर बात आई होगी, सर क्यों नहीं होता है? होना चाहिए, भारत का ही है, भारत में आकर के कंजम्पशन करेगा, भारत में ही उस चीज को जो है यूज करेगा, और वो तो कुछ पल के लिए ही गया ना वहां पर, वो तो गया आज की फ्लाइट लेकर, कल ट्रीटमेंट करता है, परसों वापस आ जाता है, तो उसकी इनकम क्यों नहीं इनकम हुई हमारी, हमारे देश की? लेकिन मैं जीडीपी की इनकम नहीं होती है। अब आप कहेंगे सर इसको तो शामिल करना चाहिए, बिल्कुल मैं भी आपसे एग्री करता हूं, इसको शामिल करना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर इसको 1 लाख रुपए मिलता है इस डॉक्टर को, तो ये फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होता है? देखिए, दो तरीके की इनकम हो सकती है, एक तो ट्रांसफर इनकम, एक फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो कि आपने किसी कार्य, आपने कुछ किया है, आपने जो है किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपको मिल रहा है, कुछ करने के बदले आपको जो इनकम मिल रहा है वो फैक्टर इनकम होता है। और एक होता है ट्रांसफर इनकम। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या करा कि आपको जो है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज मतलब कि बूढ़े हो गए हैं, इसलिए सरकार ने क्या करा आपको जो है पेंशन आपके खाते में डाल दिया, वो भी आपकी इनकम है, बट वो क्या हो गया, आपका ट्रांसफर इनकम हो गया। क्लियर है जी? यूनिलेटरल उस भी कहते हैं उसको हम, हस्तांतरण आय हो गया आपका, वो बात समझे? तो कारक आय और आपका स्थानांतरण आय अलग अलग होता है। मेरा कहने का मतलब है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दो अलग चीज होती है। यहां पर बात हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की ही करेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ फैक्टर इनकम का ही रोल है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पर ये डॉक्टर सर्विस देकर के आता है, उसके बाद उसको इनकम मिलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ऐसे डॉक्टर की तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो विदेशों से जाकर के आय अर्जित करके भारत में आते हैं, लेकिन जीडीपी में वो शामिल नहीं होता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है जी? ये बात समझ पाए आप? तो चलिए मैं यहां पर आता हूं फिर से। क्या अभी तक आपने ये समझा क्या कि जीडीपी तो आपको पता है कि ये मैंने बता दिया आपको। इससे पहले एक चीज लेते हैं, चलिए तो आप इस बात को पहले समझ पाए कि क्या है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये क्या चीज है। इस बात को आप समझ पाए कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या चीज है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे। वो इनकम जो कि आपने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी पे जनरेट नहीं की, वो आपके जीडीपी में आपका इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी आय हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण लिया डॉक्टर का, क्लियर है, हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विदेशों में जाके मैच खेलते हैं, वहां पर उनको मैन ऑफ द मैच मिलता है, उनको फीस मिलती है,
उस इनकम को भी हम जो है फैक्टर जो है जीडीपी शामिल अपने अंदर नहीं करती है, जबकि होना चाहिए ना। तो जीडीपी में क्या चीज है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड शामिल नहीं है, मेरी बात समझिएगा इस चीज को, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ये उसके अंदर शामिल नहीं है, ये होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और एक क्या है हमारे पास में, और एक चीज और जरा समझिएगा, एक तो ये प्रॉब्लम तो है ही, आपका ये कहना है कि सर ये शामिल होना चाहिए, मेरी बात समझिए, आपका ये कहना है ना क्या कि सर ये तो गलत बात है, जीडीपी में ये होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, ना होगा, होना चाहिए जीडीपी में, आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं भी आपके बात से सहमत हूं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके सर भी आपके साथ हैं, बिल्कुल जीडीपी में इसको होना चाहिए, लेकिन जीडीपी इसको शामिल नहीं करता है। अभी थोड़े धीरे धीरे अभी रुक जाइए, वेट कीजिए, कुछ चीजें भी आपको पता लग जाएंगे, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ बातें हैं जिसको आपको और अच्छे से समझना है, उसी पे आते हैं हम, इसी पे आते हैं जी। दुनियादारी की बात तो आपको यही समझ में आएगी, ये एग्जाम्पल आपको एक समझ में आया, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां पे तो भैया रेड कलर ये है, येलो कलर ये है, ग्रीन ही कलर काम करेगा। चलिए जी, आप भारत को कहां भेजें, भारत को भेज देते हैं भैया, कहां भेजना चाहेंगे आप बताएं, चलो फिनलैंड भेज देते हैं इंडिया को। मान लो फिनलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया आती है ये, और इंडिया में क्रिकेट मैच खेलती है, और यहां से उसको कुछ इनकम जनरेट होता है, वो फिर अर्न करके वापस अपने कंट्री फिनलैंड चली जाती है। लेकिन जीडीपी क्या करता है, आपको पता है कि जीडीपी जो है इस तरीके की इनकम को, किस तरीके की इनकम को, ये इस तरीके की इनकम को जो कि चाइना से आ रही है, इस इनकम को अपने अंदर शामिल नहीं करती है। लेकिन जो फिनलैंड से लोग आए हैं, मेरी बात समझिएगा, क्लियर है, और हमारी आय इनकम क्या होगी, हमारी इनकम फिनलैंड जा रही है, फिनलैंड जा रही है हमारी इनकम, मतलब हमारे देश का पैसा फिनलैंड जा रहा है क्योंकि मैच खेले और वो जा रहा है, तो वो पैसा जो विदेशों से हमारे यहां पर आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड उसको शामिल नहीं करती है। लेकिन ये पैसा जो विदेश चला गया, इसको जीडीपी पकड़ के बैठ जाता है। क्यों पकड़ के बैठता है, क्योंकि इंडिया में मैच हुआ है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्रिकेट मैच खेला गया है, तो इसलिए माना जाएगा कि हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो ये वाला सेगमेंट जो है आपका क्या कहता है कि हमारे जीडीपी में शामिल है। लेकिन आप यहां पर कहोगे, यहां पर भी आप एग्री नहीं करोगे, आप कहोगे सर ये आप कहोगे सर ये गलत बात है, क्यों भाई, वो फिनलैंड से आया, क्रिकेट मैच खेला, पैसा उठा के ले गया अपने देश में, तो जीडीपी इसको अपने अंदर क्यों लेके बैठा है। तो दो बातें आपको भी, अभी आपको दो बातें हैं ऐसी जो डाइजेस्ट आपको नहीं हो रही है। एक तो क्या कि जो हमारे डॉक्टर, हमारे खिलाड़ी विदेशों में पैसा कमाते हैं और भारत में लेकर के आ जाते हैं, उस पैसे को जीडीपी शामिल नहीं करती है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जीडीपी अपने अंदर लेकर के नहीं चलती है, पहली चीज। दूसरी, वो पैसा जो विदेश जा रहा है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड इसको कहते हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फ्रॉम मतलब आना, टू मतलब जाना, वो पैसा फैक्टर इनकम टू एब्रोड जो विदेश जा रहा है पैसा, उस पैसे को जीडीपी अपने अंदर शामिल करके बैठी है, क्यों, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो अब आपके मन में एक बात होगा, आपके मन में एक विचार होगा, आपके मन में बात और विचार ये है कि सर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो कि जीडीपी अपने अंदर इसको इंक्लूड नहीं करता है, रीजन ये है क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर इनकम जनरेट नहीं हुई, ये होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में ही कंजम्पशन होना है, बट जीडीपी अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता है। दूसरी बात, फैक्टर इनकम टू एब्रोड क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर इनकम जनरेट हो गई है, तो हमने जीडीपी लेके बैठ गया अपने अंदर, जबकि वो शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैसा तो विदेश चला जाएगा, लेकिन जीडीपी अपने अंदर इस पैसे को शामिल करके बैठता है और इस पैसे को शामिल नहीं करता है। तो अब आपके मन में विचार आया कि सर ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है भैया, ये तो सारा का सारा गोलमाल है, ये तो गोलमाल है भैया। आप कहोगे सर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होना चाहिए जीडीपी के अंदर, ये गलत बात है। और आप एक बात और कहोगे, क्या सर एक बात और कहते हैं, ये जो है ना ये फैक्टर इनकम टू एब्रोड ये जीडीपी के अंदर शामिल ये हुआ पड़ा है, इसको नहीं होना चाहिए सर। आप ये बात बोलोगे या नहीं बोलोगे, आप एग्री करते हो मेरी बात से, आप सहमत हो कि कुछ ऐसा होना चाहिए, जीडीपी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को लेके नहीं बैठा ये होना चाहिए, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड जो बाहर जा रहा है ये पैसा नहीं होना चाहिए, बट ये लेके बैठा है, इसको माइनस करो यहां से, निकालो यहां से।
सर एमएनसी बाहर इनकम अर्न कर रही वो जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी देखिए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है ना। हाँ अगर अगर एमएनसी कंपनी के अंदर बैठे हो, बाहर की कंपनी है, अगर उसने इंडिया इंडिया कंपनी के अंतर्गत वो नहीं आती है, फंडिंग नहीं आती है, तो वही हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है अगर वो कंपनी इंडिया में है तो। बट आउटसोर्सिंग से काम करवा रही है इंडियन कंपनी से, तो वो फिर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। हाँ जी, पहले मेरे इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, पहले आप ये बताएं जरा। YouTube पे क्लासेस अभी नहीं डल पाएंगी और आगे नहीं डलेंगी, सारी क्लासेस में YouTube पे कुछ दिक्कत आ गई है इस वजह से, और लेकिन हम आपका वेट नहीं कर सकते, तो आपका तो अच्छा है कि आपका एप्लीकेशन है, तो उस पर आप अपने क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए, इस पर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है जी। YouTube से खबर तो आपको मिली गई होगी। हाँ जी, लगातार अक्षय मुझसे कुछ पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर रिपीट कर दो फीफा। सर फीफा क्या मैंने बताया अभी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। सर बच्चे ये तो गलत बात है, ये तो आप थोड़ा सा पीछे जाओ। नहीं, मैं अगर रिपीट करूंगा ना तो बच्चे जो देख रहे हैं स्पीड से, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है, मैं फिर भी रफली बोल देता हूं आपको कि वो इनकम जो कि जैसे कि कोई भारतीय मूल का कोई डॉक्टर है, भारत में रहता है और चाइना जाकर के इलाज करके फीस लेकर के आता है, तो ये फैक्टर इनकम हो गया, सर्विस के बदले उसको पैसा मिल रहा है, और ये फ्रॉम एब्रोड हो गया, विदेश से पैसा आ रहा है, ठीक है ना। विदेशों से कारक आए, इसे क्या बोलते हैं हम, विदेशों से कारक आए, इसको हिंदी में आप यही बोलेंगे क्या, विदेशों से कारक आए, इसको आप बोलेंगे विदेशों से कारक आए, और इसको आप क्या बोलेंगे जो विदेशों से प्राप्त हो रहा है, इसे बोलेंगे आप विदेशों को कारक आए। मेरी बात से सहमत है आप, क्लियर है बात, समझे। तो ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल होना चाहिए, क्लियर है ये बात, समझ में आपको आई, ये चीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जीडीपी में फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होना चाहिए, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड जो पैसा बाहर चला गया वो पैसा क्यों जीडीपी में बैठा हुआ है, उसको निकालो आप, हटाओ, ये गड़बड़ करके बैठा है जीडीपी, जो नहीं जो होना चाहिए वो नहीं है उसको डालो, जो नहीं होना चाहिए वो इसमें है उसको बाहर निकालो, तभी जीडीपी सुधरेगा, आप ऐसा कहना चाहते हैं। जीडीपी जीडीपी रहेगा, सुधर के क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ सुधर के क्या होगा। पहले आप इसको समझिएगा, एक बात मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रही है, क्लियर है क्या, वो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मान लीजिए एक बार पहले मेरी बात समझिए, मुझे आपसे 20 रुपए लेने हैं, आपसे 20 रुपए मुझे लेने हैं, और आपको 18 रुपए देने हैं, मुझे आपसे 20 रुपए लेने हैं, ठीक है भैया, समझिए इस चीज को, ये मैं हूं, ये आप हैं, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, मुझे आपसे 20 रुपए लेने हैं और मुझे आपको 18 रुपए देने हैं, तो क्या मैं ये करूंगा कि लाओ भैया 20 रुपए दो, 20 रुपए दो, 20 रुपए दो, आप मुझे 20 रुपए दे दोगे, फिर उसके बाद मैं निकालूंगा और अपने 18 लो, अपने 18 लो, ऐसा हिसाब किताब करता हुआ अच्छा लगूंगा, बताओ जरा आप मुझे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसकी जगह पर ये बताओ। मुझे स्टूडेंट से 20 रुपए लेने हैं और उसको 18 रुपए मुझे देने भी हैं, तो क्या ऐसा रहना हो सकता है, बट क्या ऐसा ज्यादा ठीक लगेगा कि 20 रुपए लूं और फिर मैं आपको 18 रुपए दूं, या फिर इसकी जगह पर एक काम आप आसानी से कर सकते हैं, वो क्या करेंगे बताइए जरा, जरा कमेंट करिए यार, कमेंट करके फटाफट जरा बताइए आप इसका आंसर कि आप होंगे तो आप क्या करेंगे। अच्छा नहीं ज्यादा लेंगे, अरे वाह मेरे शेर, हाँ जी टॉपिक पे आकर बात करें, हाँ सीधी सी बात है, स्नेहा कर रही है सर, सीधी सी बात है कि 20 रुपए हमें आपने देना और आपसे मैं 18 रुपए लेना है, तो सीधी सी बात है ना कि सर आप 2 रुपए ले लो बात खत्म, यही तो बात होगी, ये बात होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप इस 20 में से, ये तो मुझे आपसे चाहिए और 18 रुपए मैं आपको दूंगा, तो सीधा हिसाब हो गया ना कि 2 रुपए मैं आपसे लूंगा, सीधा हिसाब हो गया ना,
तो एक काम करते हैं ना, फिर जोड़ो घटाओ इसको साइड में लेके काम कर लेते हैं, इसको साइड में लेके काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं ये देखिएगा जरा, इस चीज को जरा देखिएगा, ये लेना है और ये मुझे क्या करना है देना है। इस चीज का जो रिजल्ट आएगा ना, इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और ये माइनस में फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, जो भी रिजल्ट हमारा आएगा इसको हम बोलते हैं क्या, ऑल ओवर मुझे उससे कितना लेना है, तो इसको हम बोलेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, छोटा करते हैं इसको थोड़ा, देखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड, मेरी बात समझे, क्लियर है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मुझे विदेशों से 20 रुपए ऐड करना है क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जिसने जीडीपी में शामिल नहीं हुआ था, 20 रुपए मुझे ये चीजें शामिल करनी है, और 18 रुपए वो पैसा जो कि जीडीपी अपने अंदर लेके बैठा है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड जो बाहर चला गया है उसको जीडीपी से निकालना है। तो आपके पास में जो 2 रुपए आए ना, जो 2 रुपए, तो नेट मुझे विदेशों से बेसिकली क्या है कि 2 रुपए ही मैं रखूंगा अपने इनकम के अंदर, के 2 रुपए बेसिकली क्या हुआ, हमारी इनकम जनरेट हुई है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं फर्क है, मैं इसको फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड नहीं बोलूंगा, ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट, नेट इतना लेना है मुझे नेट, मेरी बात समझे। तो आप बेसिकली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो किसके बीच में, क्या आप इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये नेट सिर्फ एक वर्ड ऐसा आ गया जिसने काया पलट दी है यहां पर, वो वर्ड कौन सा आ गया, वो वर्ड आ गया नेट। जरा देखिएगा क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इस बात को, अच्छे से चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना होगा, आगे हमें बढ़ना होगा, तभी सिलेबस को टाइम पे आपके जो है वो स्टार्ट करवाया गया है, और आपके पास भी पेशेंस है, मेरे पास में भी इस समय पेशेंस है, मैं आराम से समझा सकता हूँ, मुझे इस बात का प्रेशर नहीं है कि भैया बहुत कम कंटेंट हो रहा है, अगले महीने पेपर है, इस बात का प्रेशर नहीं है, आराम से पढ़ेंगे चैप्टर जब तक, तो बहुत आराम आराम से पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, पहले आपको ये बात समझ में आई कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अब देखिएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये बात समझ में आपको आ गई है, ठीक है। तो इस बात को मैं क्या करूंगा, नेट मीन्स एन, ठीक है, फैक्टर एन एफ आई, ठीक है ना, एफ ए, मेरी बात समझे, तो क्या हो गया ये एन एफ आई एफ ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, क्या एन एफ आई ए भी बोल देते हैं, फ्रॉम एब्रोड नहीं बोलते, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, क्लियर है जी, मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो ये इस बात को समझे कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला ये हुआ जी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मेरी बात समझे, क्लियर है जी, कोई डाउट, डाउट है तो जरा बता दीजिए, क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चे मान लो विदेशों से पैसा कम हमें ऐड करना है, कम पैसा आया और चला ज्यादा गया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मान लो 20 आया तो 25 गया भी, तो 20 में से 25 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा ना, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। एक बार बताइए जरा इसका क्या मतलब है इन दो लाइनों का, अच्छा देखिएगा मेरी बात समझिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड समझ में आ गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव ट्रीट करना है, सिंपल। लेकिन अलर्ट रहिएगा, आप लोग 12वीं में तो है नहीं जो आपसे इतना साधारण आपसे फुलटोस बोल डालेगा,
गूगली तो होगा, योर कर तो मारेगा ही मारेगा, समझिए ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू एबरोड। आप पहले मेरी बात समझिएगा, मैं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं फैक्टर इनकम टू एबरोड, दोनों में फर्क है या एक ही बात है, बताइए जरा, दोनों में फर्क है या दोनों एक ही बात है, बताएं, दोनों में फर्क है ना, किस चीज का फर्क है। फैक्टर इनकम टू एब्रोड मतलब बाहर इतना पैसा हमारे देश से गया है जिसको जीडीपी लेके बैठा है, टू एब्रोड बाहर गया है, और यहां पर क्या एक वर्ड आ गया, यहां पर एक वर्ड आ गया नेट, नेट का मतलब क्या हो गया, सेटलमेंट हो चुका है, बाहर इतना गया, नेट मतलब इसमें से माइनस हो चुका है हमारा, क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, टू टू मतलब जाना या आना, जाना, अगर ये आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, टू एब्रोड है, पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें बाहर पैसा देना पड़ रहा है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो इसका मतलब बेसिकली में इसको आप क्या ट्रीट करेंगे, एज अ माइनस ट्रीट करेंगे अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो, क्लियर है। और यही चीज अगर आपका नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, बेसिकली वो हमारी तरफ से जाएगा पैसा। और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड अगर नेगेटिव है कि बाहर जा रहा है वो नेगेटिव में, मतलब कि वो हमारे पास पैसा आएगा, इसको हमें एज अ पॉजिटिव ट्रीट करना है। लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो चीज पॉजिटिव है उसको हमें क्या ट्रीट करना है, एज अ पॉजिटिव ही ट्रीट करना है फ्रॉम में, बस इस वर्ड का फर्क आ गया। लल्ला प्यार से देखिएगा, बड़े प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं मैं, तो यहां से देखिएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये देखिएगा क्या है फ्रॉम, तो फ्रॉम में जो साइन है उसको वही ट्रीट करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे, नेगेटिव है तो आप अपने कैलकुलेशन में इसको नेगेटिव ही ट्रीट करोगे। लेकिन जहां लिखा हुआ आ जाए कि नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, तो टू आ जाए, ये देखेंगे ये तो यहां पर जो पॉजिटिव है उसको आप एज अ नेगेटिव लेंगे और जो नेगेटिव है उसको एज अ पॉजिटिव लेंगे। इस बात ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, बताइए जी ऐसा क्यों होगा। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, पैसा विदेश में जाना है तो बेसिकली हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो नेगेटिव हो गया ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या हो गया, वो तो माइनस में हो गया ना, मेरी बात समझे नहीं समझे। मैं एक बात कह सकता हूं कि मुझे आपको 10 रुपए देने हैं पॉजिटिव, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं इसी बात को कि मुझे आपसे -10 रुपए लेने हैं, -10 रुपए लेने हैं, इसका मतलब ये होगा मुझे आपको 10 रुपए देने हैं, समझे या नहीं समझे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में एक बात आ चुकी है जी, अब आप मुझे ये कह रहे थे कि सर एक काम कर दो, क्या काम कर दो, ठीक है, आप मुझे कह रहे थे, आपकी सलाह थी, आप कह नहीं रहे थे, आपके मन की बात थी कि सर जो जीडीपी है ना बहुत गड़बड़ करके बैठा है, एक काम करते हैं क्या कि जो जीडीपी है ना इसमें प्लस करते हैं क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से पैसा आ रहा है ना उसको जीडीपी लेके नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर वो इनकम जनरेट नहीं हुई है, तो इसको हम एक काम करते हैं क्या कि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से पैसा हमारे पास में आ जाए, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी। अब देखिएगा हमें इसको हमें ऐड करना चाहिए, जीडीपी इसको लेके बैठता नहीं है, और उसमें से वो पैसा निकाल देना चाहिए, कौन सा फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये पैसा इसमें से निकाल देना चाहिए जीडीपी में से, क्यों, जीडीपी बेकार में लेके बैठा हमारा है नहीं, बाहर वो ले जाएंगे, बाहर खर्च करेंगे, आपका ये कहना है बिल्कुल सही कहना है। तो ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा, अब मैं इसको एक बात भी कह सकता हूँ ना, मैं ये बात कह सकता हूँ, प्यारे आपका कहने का भाव क्या है मैं समझ रहा हूँ, आप इतना चौड़ा मत बोलिए, आप सीधी से एक बात बोल दीजिए कि सर जीडीपी में आप एक काम करें क्या NFIA आप ऐड कर दें। NFIA का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मेरी बात समझे, ये आप सेटलमेंट एडजस्ट करके डायरेक्ट आपका जो रिजल्ट आएगा नेट रिजल्ट आएगा आप उसको ऐड कर दो, प्लस पॉजिटिव होगा ऐड, नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, फ्रॉम एब्रोड है ये, नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रोड है, मेरी बात समझे नहीं समझे आप, क्लियर है? NFIA, ठीक है। मैं इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, मैं इसकी जगह, थोड़ा अच्छा सा बन जाए प्यारा सा, इसकी जगह पर मैं इस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? बताएं जरा, क्या मैं इस बात का इस्तेमाल कर सकता हूं इसकी जगह पर? बिल्कुल कर सकता हूं, क्लियर है? तो अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे, इससे क्या हो जाएगा, ऐसा कर देने से अब आपका जीडीपी जीडीपी नहीं रह जाएगा, जीडीपी में जब भी आप ये काम कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, मेरी बात समझे या नहीं समझे बताओ जी, फर्क समझ में आया कि क्या फर्क है? वो लोग कितने मूर्ख हैं जो जीडीपी को ही नेशनल इनकम समझते आए हैं, मेरी बात समझे? बताओ भाई समझ में आपको आया या नहीं आया, क्लियर है भाई? बात समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है? चीजों को समझ के पढ़िए, आराम से एंजॉय लीजिए, इसका स्वाद लीजिए, फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, सब आपका ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। याद तो मत कीजिए, मैं याद करने के लिए हमेशा मना करता हूँ। चीजें समझ गई हैं, रीडिंग कर लो, लिखने का तरीका आप देख लो। क्लियर है जी? चलिए फिर आगे कंटिन्यू करें इसको। तो अब आपको मुझे बताइए कि नेशनल इनकम और जीडीपी, जीडीपी में करेक्शन करने के बाद, मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, जीडीपी में करेक्शन कैसे होगा प्लस एनएफआईए करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम बेसिकली इस चीजों पर डिपेंड नहीं होता है कि इनकम कहां जनरेट हो रही है, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि इनकम कौन जनरेट कर रहा है। हमारा अगर रेजिडेंशियल की इनकम है तो वो हमारा नेशनल इनकम होगा, चाहे कहीं पर भी जाकर के जनरेट करके आए, क्लियर है? और चाहे भारत के अंदर कोई इनकम जनरेट कर ले, लेकिन वो हमारा रेजिडेंशियल नहीं है, वो हमारी इनकम नहीं है, मेरी बात समझे? मैंने ये बात कही थी नेशनल इनकम के बारे में, वो बात यहां पर सीधी भी हुई, क्लियर है जी? तो अब आपको समझ में आया। अब मेरा एक सवाल है, क्या नेशनल, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, मैं आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है जी? मेरा एक सवाल है बच्चे, क्या नेशनल इनकम मतलब जीडीपी, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम क्या डोमेस्टिक इनकम के इक्वल हो सकता है? बताओ, मेरा सवाल है, क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? और हो सकता है तो रीजन क्या है, रीजन बताना है आपको। हो सकता है भैया, हो सकता है या नहीं हो सकता है बताओ जरा, और हो सकता है तो कैसे ये भी बताएंगे, और नहीं हो सकता तो उसके पीछे भी रीजन देंगे। थोड़ा जल्दी से करो बच्चे, देन हाँ जी जरा देखें, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी? कब? जब आपका NFIA इक्वल्स टू क्या हो, आपका आपका जो है NFIA आपका इक्वल्स टू क्या हो, जीरो हो। जितना हमें आना है उतना ही हमें यहां से जाना है, जीरो हो गया तो अब आपके पास पे जीडीपी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो नेशनल इनकम भी वही रहेगा, बात समझे? क्लियर है? अगला चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताएं, क्या ये तो हो ही सकता है नेशनल इनकम ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम? ध्यान रखना, बैंक वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस यहीं से तो पूछते हैं आपके नॉलेज से कि क्या ऐसा हो सकता है, किस ऑप्शंस भी दिए होते हैं। हाँ जी, नेशनल इनकम क्या डोमेस्टिक इनकम से ग्रेटर हो सकता है आपका, बताइए? हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यस। कब? व्हेन NFIFA इज पॉजिटिव, जब हमारा ये पॉजिटिव रहेगा तो ऐड होगा तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, जीडीपी से
बड़ा बन जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है जी, चलिए थर्ड वन और इंपॉर्टेंट, क्या नेशनल इनकम हमारा कम हो सकता है क्या डोमेस्टिक इनकम से? क्या डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कम हो सकता है? जरा इस बात को बताइए मुझे आप, क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकता है? इस बात को बताएं, बिल्कुल हो सकता है। कब दिख रहा है आपको यहां पे? बता देना जहां नहीं दिखेगा। बिल्कुल हो सकता है। जब, कब? मैं हार इतने देता हूं, यस। कब? व्हेन NFIFAA's नेगेटिव। जब NFI नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें से माइनस होने के बाद नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? GDP से भी छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? हाँ, नेगेटिव केस, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। आपको समझ में तो अच्छे से आ गया, आप तो NFI भी समझ में आ गया। अब आपके मन में सवाल होगा, सर इस NFI का यूज कहां पर करना है हमें न्यूमेरिकल में? आपने खैर थोड़ा थोड़ा तो आपको याद आ ही गया होगा, NFI आपने पढ़ा हुआ है, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो। मैं इसको सिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, वो आगे की बात है। लेकिन आपको पहले, आपको NFI के बारे में मैंने बता दिया है, इस्तेमाल कहां पर होगा और कैसे होगा ये बात मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे किस पे, डेप्रिसिएशन पे चर्चा करेंगे, और हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? तीन चीजें ही होती है नेशनल इनकम के अंदर, तीन चीजों का काम है, NFI का, डेप्रिसिएशन का एंड NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो मैं आगे दो पे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहां पर और कैसे होता है। उसके बाद जब सब समझ में आपको आ जाएगा, तब जाकर के मैं आपका स्टार्ट क्या करूंगा, फिर बच्चे मैं आपका स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल से पहले फॉर्मेट, देन उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बनाना, NFI प्लस NFI माइनस, या आपके लिए बच्चों वाला काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? चलिए जी, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नहीं आदित्य जी, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है जी। इस NFI को क्या बोलते हैं, मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूं फिर भी, विदेशों, इसको, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय, शुद्ध मतलब नेट माइनस करने के बाद, फ्रॉम माइनस टू कर करके जो रिजल्ट आएगा उसको शुद्ध बोलते हैं NFI को। क्लियर है जी? टेन ईयर कब मिलेगा सर इको का हिंदी में? अभी 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 नहीं मिलेगा अभी, उसके तो अभी आपको एक दो महीने वेट करना है, लेकिन कोई नीड नहीं आपको किसी भी टेन ईयर की, बाद में हम प्रैक्टिस के लिए इसको यूज में लाएंगे बस, ठीक है जी। अभी तो आपको जो जो कंटेंट दे रहा हूँ ये पढ़िए, सब कुछ आपको यही मिलेगा। 10 ईयर से बस क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या पेपर में आ रहा है, आंसर तो आपको यही लेना है, क्योंकि 10 ईयर का लैंग्वेज ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, कि वो भी थोड़ा सा इतना जो है एग्जाम क्वेश्चंस ओरिएंटेड आंसर्स नहीं होते हैं वो भी, ठीक है जी। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसको मैं सेव कर देता हूं, और जी आपके सामने कर दिया मैंने इसको सेव, अगली क्लास में मिलते हैं हम फिर, ठीक है जी। कैट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 4 क्लासेस में हो चुकी है, जो बच्चे क्लासेस लिए हुए हैं अभी तक अवेयर नहीं है, प्लीज जाइए और अपने कैट की क्लासेस को, बैकअप को अपने रिकवर कीजिए, ठीक है जी। 26 जनवरी जो है तो उसका भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप उस बेनिफिट को भी लीजिए। हाँ, आपको आज मैं एक चीज दिखाने वाला हूं, आज आपको मैं बड़े, जो अभी रुक जाना, एक चीज दिखाऊंगा, शानदार चीज दिखाऊंगा मैं आज आपको, आप बड़े मोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है जी। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी एक चीज दिखाई थी, जब आप प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, एक बच्चे का सिलेक्शन, आज एक बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ, वो स्टूडेंट बड़े गरीब घर से आता है, और पिताजी जो है फुटपाथ पे ही अपना एक छोटा सा दुकान लगा करके गुजारा करते हैं, और वो स्टूडेंट का जो है रेलवे के अंदर सिलेक्शन होता है एक अच्छी पोस्ट के लिए, टिकट चेकर, तो उस पोस्ट पे जब सिलेक्शन होता है तो वो बच्चा क्या करता है कि अपने पिता के पास जाता है और उनको मिठाई खिलाता है, और उनको जो है, मैं बोल क्या रहा हूं, आप देख लीजिए अपने हाथों से, अपने आंखों से देख लें आप इस चीज को, मैं इसको कर देता हूं बड़ा, ठीक है ना, आपका शाम बन जाएगा।
हाँ जी, तो मात्र 22 साल का बच्चा और सरकारी नौकरी पे 55-60 हज़ार रुपए की तनख्वाह पर लगा है और ग्रेजुएट होते ही लगा है। ग्रेजुएट अभी ही हुआ था और पेपर टैली भर दी थी, तैयारी 12वीं से ही कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मोटिवेटेड होंगे और आप लोग भी इस बारे में सोचेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।